In this video, I will discuss UPSC 2024 calendar. When your prelims, when your mains, and some other examination conducted by UPSC. So, in this video, I will discuss first your reserve UPSC ART examination. तो हम यहाँ पे डेट दे लग रहे थे, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जारी करता है यूपीएससी, और हम देखेंगे कि इसमें रिजर्व हो गई जो एग्ज़ाम डेट क्या है, स्टार्ट टू टू डेज का एग्ज़ाम है, और एनडीए एग्जामिनेशन 2014 ये हमारा संडे को है, और सीडीएस का एग्ज़ाम है ये हमारा 2020 का जो इतने को कंडक्ट होगा, और वन डे का एग्ज़ाम है। सिविल सर्विस प्रीलिम्स हमारा जो हम मेन फोकस करेंगे इस वाले एग्ज़ाम पे, वो हमारा नेक्स्ट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका आ जाएगा 14 और फरवरी को आ जाएगा 2024 को आ जाएगा, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 5/3/2014 लास्ट डेट है। सॉरी, ये हमारे एग्जामिनेशन जो है और ये हमारे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाएगी आप, फिर लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और ये एग्ज़ाम डेट कंडक्ट होगा, और ये ड्यूरेशन एग्ज़ाम कितना है, वन डे है, टू डे है, एग्ज़ाम है, ये सारी वो फिर रिजर्व लिस्ट में रहती है यूपीएससी, वो इंजीनियरिंग सिविल सर्विस प्रीलिम एग्ज़ाम में, तो फिर ये कमांडो जियो साइंटिस्ट रिजर्व यूपीएससी आरटीएस एग्ज़ाम में, सीआईएसएफ एग्ज़ाम में सर रिजर्व, फिर कहता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये फॉरेस्ट सर्विस और यूपीएससी दोनों सिविल सर्विस दोनों कंबाइंड होते हैं, इसकी सीट अलग से नहीं करते हैं, तो वो फॉरेन में इंक्लूड हो जाती है, ये दोनों एक ही एग्ज़ाम होता है। आईईआरएस आईएसएस एग्जामिनेशन ये होता है और फ्राइडे को 2021 में होगा, और जो एग्ज़ाम डेट आ जाएगी ये 24/29 को ये होगा, 20 को ये फिर हमारा कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे प्रीलिम्स हुआ जियो साइंटिस्ट का, यहाँ पे मेंस हो जाएगा, इंजीनियरिंग सिविल मेंस एंड रिजर्व हाफ यूपी, ये रिजर्व जो सीट है ये कंडक्ट करवाया जाएगी स्टेट को, टू डेज का एग्जामिन। कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन होगा सेंट्रल आर्म पुलिस रिजर्व यूपी आरटी, जो रिजर्व सीट हम रखते हैं वो कंडक्ट करवाया जाएगा, वो दो देश का एग्ज़ाम है, एन डी ए और एन एग्जामिनेशन ने भी ये कंडक्ट होगा, संडे वनडे एग्ज़ाम, सिविल सर्विस ये मेंस देख लेते हैं, मेंस अगला कंडक्ट होगा आपका 20 फरवरी से, ये 20/9/2014 अब 5 डे का एग्ज़ाम होगा, जिसके पहले रिजर्व यूपीएससी और इंडियन फॉरेन सर्विस का मेंस होगा, दोनों कंबाइंड होता है, ये 7 डे हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है सो फिर रिजर्व यू सी आर, तो दीज आर द कैंडिडेट फॉर रिक्वायर्ड, तो ये यूपीएससी की साइट है, आप उस पर जाएंगे www.upsc.com पे जाएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आ जाएगी, उसको ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद ये इंटरफेस खुल जाएगा, देन आप डाउनलोड करके इसको एक वॉल पे चिपका दीजिएगा। तो अगर आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे सिविल सर्विस की हो गए, एनडीएस अगर एनडीएस सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सीडीएस होगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो ये आपका कब कंडक्ट होगा, दिस ईयर का कैलेंडर है, तो आप इसको डाउनलोड करने के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, और वहाँ पे आप डालना यूपीएससी फाइनली दिस ईयर कैलेंडर 2014, तो ये रिजर्व लिस्ट में जो कैंडिडेट रहते उनका एग्ज़ाम होगा, फिर हमारा होगा, तो दैट्स ऑल अबाउट ऑफ दिस कैलेंडर। So thank you watching this video, helpful for your journey. So thank you.